दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। इन दोनों के बीच में एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग है तो टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए ये आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग इसको समझना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन से। डेफिनेशन को हम यहां पर जो डायग्राम लिए उनसे समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी ध्यान से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की। ध्यान से देखना है, यहां पर मैंने लिख भी दिया डायग्राम के नीचे। हमने मान लिया ये कुछ वर्क पीस है, ये यहाँ पर इसको कट करना है, डेप्थ ऑफ कट दिखाई गई, उससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या देखना है, यहाँ पर टूल को देखना है, टूल है ना, इस टूल को लेकर कटिंग एज, कटिंग एज यहाँ पर इंसर्ट है, इसको ध्यान रखना है। और टूल यहाँ पर कैसा लगाया गया, जो कटिंग एज देखना है, कटिंग एज की जो सरफेस है, इस सरफेस पर ध्यान देना, याद रखना। और जो यहाँ पर फीड रेट है, ये देख रहा फीड है, फीड इसका 90 एंगल क्यों दिखाया गया, बस हमें इसी को समझना है। ये जो टूल है, टूल की जो एज यहाँ पर लगी है, और इसका ट्रेवल कैसे कर रहा, मतलब यहाँ से चलेगा, यहाँ से ऐसे चलते चलते कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से फिर इधर को आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ध्यान समझना, यहाँ पर जो एज है टूल की एज है जो यहाँ पर लगी हुई उसमें, और जो टूल ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उन दोनों के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वाई जो कटिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जो टूल की एज और टूल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन के बीच कितने का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब उसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं। इसके अपोजिट ऑब्लिक कटिंग देखें, ऑब्लिक कटिंग में यहाँ पर आपको दिख रहा है वही एरिया है, लेकिन जो कटिंग एज यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, किसी एंगल पर सेट की गई, किसी एंगल पर सेट, मतलब थोड़ी तिरछी है, इंक्लाइंड है। तो जब जो टूल की कटिंग है और जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वह किसी एंगल पे हो, 90 डिग्री पे ना हो, तिरछी हो, तो उस टाइप की कटिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कटिंग बोलते हैं। इसमें टू कंपोनेंट फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कह सकते हैं टू फोर्सेस ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जबकि इसमें जो ऑब्लिक कटिंग उसमें थ्री कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं फोर्सेस। ये तो बेसिक उसकी डेफिनेशन हो गई, समझ होंगे। अब पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बहुत सारे पॉइंट ले रखे कि डिफरेंस कैसे लिखना है, वह मैं आगे समझा देता हूँ। अब जो पॉइंट हमें एग्जाम में लिखकर आना है उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो ऑर्थोगोनल कटिंग उसमें फोर्सेस के टू कंपोनेंट क्या होते हैं वहां पर कंसीडर किया जाते हैं। एक तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है उसके फिर एक नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। जबकि ऑब्लिक कटिंग में थ्री फोर्स, थ्री कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह हम देखें चिप फ्लो इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जब कटिंग होती है तो जो चिप फ्लो है उसकी डायरेक्शन भी देखना जरूरी होता है। तो इसमें देखें जो ऑर्थोगोनल है उसमें देखें द चिप फ्लो ओवर द टूल फेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द कटिंग एज। मतलब जो चिप फ्लो हो रहा है टूल फेस का पर वह कैसा होता है, नॉर्मल टू द कटिंग एज, कटिंग एज के परपेंडिकुलर भी बोलते तो भी चलेगा। जबकि इसमें देखें जो ऑब्लिक कटिंग है उसमें किसी ना किसी एंगल पर क्या होती है, फ्लो होती है। इसी तरह अगर हम चिप्स कैसी फॉर्म में, मतलब डिफरेंट टाइप्स की चिप्स होती है उसमें हम देखें तो डिसकंटिन्यूस चिप्स जो फॉर्म होती है ऑर्थोगोनल में, और कंटिन्यूस चिप्स जो फॉर्म होती है वह होती है ऑब्लिक कटिंग में होती है। अब नीचे के कुछ और पॉइंट है उनको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है जो मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कि जो फेस है ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो भी हमारा टूल चलेगा उसकी डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में इंसर्ट करा रहे टूल की वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है, जबकि ऑब्लिक में ऐसा नहीं होता, 90 डिग्री पर नहीं होती, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। इसमें चिप ब्रेक एंड हेंस कैरी द हीट, इसमें चिप ब्रेक होती तो हीट जनरेट होती है, जबकि इसमें क्या होता है कंटिन्यूस चिप होती है तो इसमें हीट जनरेट कम होती है। अब बिल्डअप एज क्या होती है, मैं डिफरेंट टाइप्स की चिप्स मैंने समझाई हुई है उसमें समझ लेना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इट विल नॉट क्रिएट बिल्डअप एज, इसमें बिल्डअप एज क्रिएट नहीं होती जबकि इसमें बिल्डअप एज क्रिएट होती है।
इसमें क्या कह रहा है, जो हमारी हीट है विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड, मतलब उसमें हीट नहीं जनरेट होती है, हीट विल बी चिप इंटर, जो चिप का इंटरफेस उस पे हीट इसमें जनरेट होती है। नेक्स्ट क्या, मैक्सिमम चिप थिकनेस अकर्स एट मिडल, जो मिडल एरिया उस पर थिकनेस क्या होती है थोड़ी सी ज्यादा जनरेट होती है, जबकि इसमें क्या होती है लास्ट वाले में देखते हैं हम, मैक्सिमम चिप थिकनेस डज नॉट अकर एट द मिडल, मिडल पे जो चिप है थिकनेस वाय नहीं जनरेट होती है। तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं तो आपको इनके बारे में लिखना है, समझाना भी है। कई बार मशीनिंग प्रोसेस, मेथड ऑफ मशीनिंग प्रोसेस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर भी आपको इन्हीं को समझा के आना जो आज मैंने इसमें समझाए, तो दोनों क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।